मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जानेंगे नदी और उनके उद्गम कहाँ से हुआ है, संगम उनका कहाँ पे है और उनकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इसका संगम होता है अरब सागर में। और इसकी सहायक नदियां हैं स्योक, सिगार, सिंगार, गिलबमत, सतलज और चिनाब। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में। अब हम अगली नदी देखेंगे जो है सतलज। सतलज का भी उद्गम मानसरोवर झील के ही निकट राकस ताल में पड़ता है। राकस ताल, इसका संगम होता है चिनाब नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं व्यास, स्थिति और बसपा। नेक्स्ट रावी। रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा ही है। अब और संगम इसका कहाँ होता है, रावी नदी का चिनाब में। और इसका व्यास नदी का संगम होता है सतलज में। और इसकी सहायक, व्यास नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती, हुरला और तीर्थन। ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील जो कि पीर पंजाब। और इसका संगम होता है चिनाब में। इन दोनों का, सतलज और झेलम दोनों का चिनाब में होता है। इसकी सहायक नदी है किसन गंगा। हो गया, थैंक यू।